Good morning students, welcome back to the class. This video is for class 3rd, subject is computer, chapter number 3, more on paint. In this chapter we will learn about the paint. Paint is a application. In this application we will do paint is a program or application. In this program we will do the drawing. Okay, hum drawing karte hain is chapter is mein. Okay, aur is चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इस चैप्टर में हम पेंट के कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट होता है, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डिटेल में पढ़ेंगे हम, मतलब पेंट को इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन सो दैट यू कैन डू दिस हार्ड वर्ड्स ईजिली. जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन. Just take a screenshot of your mobile screen so that you can do this hard work easily. Okay, have you done? Now read with me. Hard words. COMMANDS commands. COMMANDS commands. MAGNIFIER magnifier. MAGNIFIER magnifier. Next, CURVE curve. CURVE curve. POLYGON polyzone. POLYGON polyzone. AIR air. BRUSH brush. Air brush. SELECTION selection. Selection. RECTANGULAR rectangular. Rectangular. PORTION portion. Clear? Now take out your book and open page number 28. Take out your book, open page number 28. Have you opened? Okay, now read with me. Introduction. More on paint, chapter number 3. Introduction. You know about the paint program in Windows. It is used to make drawings on the computer. पेंट प्रोग्राम के बारे में आप सब जानते हैं, ये पेंट हम ड्राइंग करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं. डू यू रिमेंबर द रिबिन ऑफ पेंट? आपको पेंट की रिबिन पता है? द रिबिन कंटेन्स टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स. जो ऊपर बेटा जो ऊपर शो करता है ना, हमने प्रोग्राम ऑन किया उसके ऊपर जो शो करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिबिन. तो इस रिबिन में, पेंट की जो रिबिन होती है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स. टैब्स होते हैं ऊपर जो होता है, जैसे होम, व्यू, एडिट, इंसर्ट, ये हमारे टैब्स होते हैं, और उसके अंदर होते हैं ग्रुप्स अलग अलग, सबके सेपरेट सेपरेट. ठीक है बेटा, देखो ये दिख रहा है आपको रिबन, हैव यू सीन इट? ओके, दिस इज द रिबन ऑफ पेंट. क्लियर बेटा? ओके, हैव यू, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज लाइन. लाइन का यूज हमें पता है, कंप्यूटर में लाइन होती, पेंट प्रोग्राम में आपको इस तरीके से एक टूल दिखता है, दैट इज टूल ऑफ लाइन. ये लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है. ओके, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का हमारे पास होता है इस टाइप का, ठीक है, इस मतलब एक बॉक्स होता है उसके अंदर रेक्टेंगल बना हुआ होता है. ओके, ओवल का अलग से होता है, ओवल. ओके, इस तरीके के हमारे पास सारे टूल्स आप इसके थ्रू देख सकते हैं, आपके बुक में हैं ये, देखो. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज़ लाइन, रेक्टेंगल, ओवल, फिल विथ कलर्स, पेंसिल, मैग्नीफायर, इरेजर एंड ब्रशेस इन योर प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप ये लोग. लेट अस लर्न सम न्यू कमांड्स. आज अब हम कुछ नए कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं. ये टूल्स तो हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं कैसे यूज़ होते हैं, हम कुछ नए कमांड्स के बारे में. फर्स्ट देखो, टेक्स्ट इज यूज. फर्स्ट आपके पास इस तरीके का कुछ कमांड दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है ना, ए ड्रॉ किया हुआ है इस पर. ओके, ये यूज़ होता है, टेक्स्ट इज यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट इन द सेलेक्टेड एरिया. इसको टेक्स्ट बोलते हैं. ये क्या क्या होता है कमांड, ये कौन सा टूल है? टेक्स्ट. इसका हम यूज़ कब करते हैं? जब हमको किसी ड्राइंग एरिया में कुछ टाइप करना होता है तो हम इसका यूज़ करेंगे. वी विल टाइप द मटेरियल. ओके, हमें जो भी मटेरियल टाइप करना है हम इसके थ्रू टाइप कर सकते हैं. सेकेंड देखो, आपके पास दिख रहा होगा कलर पिकर.
दिस इज कॉल्ड कलर पिकर. ओके दिस इज कॉल्ड कलर पिकर. इज यूज टू सेलेक्ट कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू क्लिक. हम इसको सेलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे कलर पिक कर सकते हैं. कलर डालना होगा तो हम इसके थ्रू कलर पिक करेंगे और उस पर डाल सकते हैं. कर्व, नेक्स्ट आपके पास आता है कर्व. ओके कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए वी कैन यूज दिस टू ड्रॉ कर्व्ड लाइन. इसको यूज करेंगे हम कर्व लाइन यूज करेंगे. दैट इज देन पॉलीजोन. पॉलीजोन आप जानते हैं रेक्टेंगल तक आपको पता है 4 साइड्स 5 साइड्स वगैरह के हम जो भी कमांड्स बनाते हैं जो भी शेप्स बनाते हैं उसको हम यूज पॉलीजोन के थ्रू करें. यूज टू ड्रॉ क्लोज प्लेन फिंगर्स बाउंडेड विथ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से जो क्लोज फिगर होता है ठीक है फिगर होता है उसको हम ड्रॉ करने के लिए इसका यूज करते हैं. नाउ कम ऑन पेज नंबर 27. क्रिएटिंग योर फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर्स. आपका फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर बनाना होगा ठीक है. कॉमिक कैरेक्टर बेटा वो होता है जिसके थ्रू हम थोड़ा हंस लेते हैं जो मजाकिया कैरेक्टर होता है ना वो. लेट अस यूज वेरियस टूल्स ऑफ पेंट एंड मेक द फेस ऑफ नॉडी. नॉडी आपको पता है एक कैरेक्टर आता था मतलब कार्टून कैरेक्टर था नॉडी. उसका हम शेप बनाना है हमें तो उसको कैसे बनाएंगे वो हम रीड करते हैं अब ठीक है. सबसे पहले स्टेप फर्स्ट स्टेप है क्लिक ओवल फ्रॉम द शेप ग्रुप्स एंड ड्रॉ अ सर्किल. हम ओवल पे सेलेक्ट करेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे ओवल पे क्लिक द ओवल एंड ओवल फ्रॉम द शेप एंड ड्रॉ अ सर्किल. हमने एक ओवल पे क्लिक किया और एक सर्किल ड्रॉ किया. सेकेंड स्टेप सेलेक्ट ब्रश फ्रॉम द ब्रशेज टूल्स ग्रुप्स. ब्रश इज यूज टू सेम वे एज पेंसिल. पेंसिल की तरह हम ब्रश को भी यूज़ करते हैं तो हमने क्या किया फिर ब्रश को सेलेक्ट कर लिया. ब्रश ग्रुप से ब्रश को सेलेक्ट कर लिया. थर्ड स्टेप नाउ ड्रॉ आइस नोज एंड माउथ ऑफ नोडी. हम आइस फेस और पेंसिल हमने यूज पेंसिल ले लेंगे. पेंसिल को सेलेक्ट करके हम आइस नोज और माउथ का ड्रॉ कर देंगे. ओके बेटा नेक्स्ट नाउ अस लेट अस नाउ ड्रॉ नॉडीज कैप. अब हमें नॉडी की कैप बनानी है. नॉडी का फिगर पिक्चर बना रहे हैं हम तो अब नॉडी की कैप कैसे बनाएंगे. सेलेक्ट कर्व फ्रॉम द शेप्स ग्रुप. हम कर्व को सेलेक्ट करेंगे. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द हेड अपवर्ड. अब एक लाइन हम ऊपर की तरफ बनाएंगे. कर्व हमने सेलेक्ट किया उससे हम एक लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे. नाउ क्लिक अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड ड्रैग टुवार्ड्स द लेफ्ट. अब हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको वापस से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएंगे ठीक है. एज यू ड्रैग यू कैन सी कर्व फॉर्मेटिंग. हम कर्व फॉर्मेटिंग देखेंगे कि थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनेगा. सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. इस तरीके से कुछ आएगा है ना क्योंकि कर्व सीधा नहीं होता. ओके रिपीट द स्टेप्स एंड कंप्लीट द कैप. हमने इसको करा और कैप को कंप्लीट कर दिया. तो ये स्टेप फिर देखो लेट अस ड्रॉ अ बेल इन द कैप. अब इस कैप के ऊपर हमें एक बेल ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे. यूज मैग्नीफायर एंड इनलार्ज द एरिया ऑफ द कैप एज शोन. एनलार्ज हम क्या करेंगे मैग्नीफायर को सेलेक्ट करेंगे और एनलार्ज करेंगे उसको बड़ा करेंगे. इस एरिया को हम मैग्नीफायर से जूम करके देखते हैं ना हम इसको जूम करेंगे. यहाँ पे हम ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे. सेलेक्ट पॉलीजोन शेप द शेप्स ग्रुप. फिर हम पॉलीजोन शेप को सेलेक्ट करेंगे. ड्रॉ अ लाइन. फिर हम इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके बेटा नाउ टर्न द पेज. क्लिक ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ड्राइंग एरिया एज शोन इन द फिगर. देखो इस फिगर में आपके पास 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ मतलब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कुछ बन के फिर ये ऊपर चला जाएगा ठीक है. क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट 5 टू क्लोज द फिगर. पॉइंट 5 दिया हुआ इसका मतलब हम ये लास्ट में आके हम वापस रुक जाए. हमने पॉलीजोन को सेलेक्ट किया तो ड्रैग होता हुआ बनेगा वो ठीक है. इस तरीके से ऊपर नीचे करके बनेगा और ये हमारा पिक्चर बन जाएगा. क्लिक मैग्नीफायर अगेन एंड राइट क्लिक टू रिड्यूस द पिक्चर और टू इट्स ओरिजिनल साइज. फिर मैग्नीफायर को क्लिक करके हम इसको रिड्यूस कर देंगे साइज को. हमने मैग्नीफायर से साइज बढ़ा दिया था यहाँ हम आ गए थे. अब इसको क्लोज कर देंगे फिर उस पिक्चर को ओरिजिनल शेप पे लाने के लिए. कलर द फेस एंड कैप ऑफ नॉडी यूजिंग फिल विथ कलर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप. हम कलर जो टूल्स ग्रुप्स होगा उसमें से कलर को सेलेक्ट करके कलर को सेलेक्ट करके हम इसकी कैप पे और इसकी माउथ पे कलर कर देंगे.
लेट अस पिक कलर फ्रॉम नॉडीज आइस. अब नॉडी की आइस में अलग से कलर, देखो क्रॉस फिगर होता है ना, तो कलर टूल हम यूज़ करेंगे ना, अगर हमने यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये यहीं करेगा, इसके अंदर नहीं करेगा, यहाँ ड्रॉप करेंगे क्रॉस फिगर में, जहाँ हमारा क्रॉस फिगर है उसके लिए हमें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा कलर फिगर को, कलर टूल को. तो फिर हम इनकी आइस पे करेंगे, माउथ पे कर देंगे. ओके, कलर पिकर से हम क्लिक ऑन कलर पिकर फ्रॉम द टूल ग्रुप एंड सी द पॉइंटर चेंजिंग द शेप. ओके, क्लिक ऑन द आई टू पिक द ब्लू कलर. आई पे क्लिक करेंगे ब्लू कलर करने के लिए. क्लिक फिल विथ कलर, फिर फिल विथ कलर करेंगे इसके माउथ को फिल करने के लिए. क्लिक ऑन द बेल एट द एंड ऑफ द कैप ऑफ द फिल इट ब्लू कलर. कैप को भी ब्लू कलर से फिल करेंगे. स्टेप 19, क्लिक टेक्स्ट फ्रॉम द टूल्स ग्रुप. हम अब टूल्स ग्रुप से टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, हमने ए वाला पढ़ा था ना टाइप करने के लिए. ड्रैग एंड ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स इन द ड्राइंग एरिया. अब हम एक ड्राइंग एरिया में ड्रैग करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे. टाइप वट एवर यू वॉन्ट यूजिंग द कीबोर्ड एंड क्लिक एनी वेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स. अब हम उस पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके उसको हटा देंगे, आउटसाइड आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे तो वो टाइप हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके का पिक्चर एक बन जाएगा. ओके, सो ये इसके स्टेप बहुत ज़्यादा थे ना बेटा, तो ये स्टेप जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे समझ, अब मैंने आपको बोल के समझाया लेकिन आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे. जब अब स्कूल रीओपन होने के बाद तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे ही करेंगे, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप अपने घर पे जिसके पास पीसी या लैपटॉप होगा वो ज़रूर ट्राई करेंगे. जो भी नॉडी की पिक्चर थी वो बिल्कुल आपको अपनी नोट अपने कंप्यूटर में बनानी है. ठीक है, नाउ टर्न द पेज. ओके, द होम टैब. अब हम पढ़ेंगे द होम टैब. यू हैव लर्न द कमांड्स इन टूल्स एंड शेप्स ग्रुप ऑफ द होम टैब. लेट अस नाउ लर्न टू यूज सम ऑफ द कमांड्स इन लार्ज ग्रुप एंड क्लिपबोर्ड एरिया. अब क्लिपबोर्ड एरिया और इमेज ग्रुप और क्लिपबोर्ड एरिया के कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं. देखो ये पिक्चर दिख रही है आपको, पेज नंबर 30 में पिक्चर दिख रही है ना. ठीक है, ये होता है इमेज ग्रुप्स. ओके, और ये होता है क्लिपबोर्ड एरिया. ठीक है, देखो आपके पास शो भी कर रखा है एरो से. सेलेक्टिंग द ड्राइंग. अब ड्राइंग को सेलेक्ट करने के लिए देखो क्या, सेलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन पेंट. सेलेक्शन क्या है, चुनाव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक्टिविटी है पेंट में. यू नीड इट फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑन द इमेज लाइक कट कॉपी पेस्ट. हमें बहुत सारे क्लिप को किसी पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, कट मतलब हटाना वहाँ से, कॉपी मतलब दूसरी जगह लेकर आना, पेस्ट मतलब उसी जगह से दूसरी जगह लेकर आना, वहाँ भी रहेगी दूसरी जगह भी रहेगी. यू कैन सेलेक्ट द होल और पार्ट ऑफ अ इमेज यूजिंग द सेलेक्ट कमांड फ्रॉम द इमेज ग्रुप. हम एक पिक्चर का, एक इमेज का पूरा पार्ट भी ले सकते हैं और उसमें से कुछ पार्ट भी लेके किससे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कमांड से सेलेक्ट करते हैं. किस कौन से ग्रुप में होता है सेलेक्ट कमांड, इमेज ग्रुप में होता है. ठीक है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलेक्शन शेप्स. हमारे पास सेलेक्शन के जो शेप्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सेलेक्शन. रेक्टेंगुलर सेलेक्शन मतलब आप क्लोज एरिया और फ्री फ्रॉम सेलेक्शन किसी भी एरिया से. ठीक है, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन इट इज़ यूज टू सेलेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एरिया ऑफ एन इमेज. किसी भी इमेज का आपको, किसी भी तस्वीर का आपको रेक्टेंगुलर शेप लेना है तो आप किसको यूज़ करेंगे, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन का. टू यूज़ रेक्टेंगुलर सेलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको. देखो फर्स्ट स्टेप है क्लिक सेलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप, अ लिस्ट ओपन, चूज रेक्टेंगुलर सेलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट. देखो मैं आपको वहीं आके बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके बेटा, ये देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट को फ्रॉम इमेज ग्रुप से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी. देखो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, इस तरीके की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी. क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया एंड इमेज. अब देखो क्लिक करेंगे ड्रैग करेंगे हमारे पास एक देखो रेक्टेंगुलर शेप बना, उसके अंदर हम अपनी पिक्चर को अ डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज अपीयर्स. देखो ये पिक्चर है इसके ऊपर एक डॉटेड बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये अपीयर हो जाएगा. इट मीन्स दैट द एरिया इज सेलेक्टेड. इसका मतलब है कि वो एरिया सेलेक्ट हो गया. ठीक है, तो फिर हम इस पर पिक्चर्स बना सकते हैं. ये हमने सेलेक्ट कर लिए, देखो ये पूरी पिक्चर थी, इसमें से हमने इस एरिया को सेलेक्ट किया.
ठीक है, इस हमें इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को हमने क्लिक किया, इसका मतलब ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम कहीं भी कॉपी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कैसे होता है? इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ द इमेज। ओके, देखो एक तो ये रेक्टेंगुलर शेप में हमने लिया, ठीक है, प्रॉपर लाइंस में, एक हम किसी भी कर्व तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ इमेज। टू यूज़ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, क्लिक सेलेक्ट। सेलेक्ट को हमने क्लिक किया, एक हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें से हम क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस इररेगुलरली अराउंड द एरिया ऑफ इमेज अंटिल इट्स ग्रेट सेलेक्टेड। आप इसको ड्रैग करते जाएंगे जब तक आपका सेलेक्ट नहीं हो जाता। अ डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज अपीयर। देखो इसमें भी डॉटेड बॉक्स अपीयर हो गया, इट मीन्स दैट द एरिया इज सेलेक्टेड। इसका मतलब ये एरिया क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, ओके, ये हमने रेक्टेंगुलर सेलेक्शन और फ्री फ्रॉम सेलेक्शन का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मतलब पूरा हमें सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द एंटायर इमेज। टू सेलेक्ट द एंटायर इमेज, क्लिक ऑन सेलेक्ट। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और देखो आपके पास जो ऑप्शन था ना, उसमें नीचे ऑप्शन था सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द इमेज ग्रुप एंड देन क्लिक सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हमारी पूरी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 32, डिलीट से स्टार्ट करेंगे। ओके, पेज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।